साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में बगावती सुर उठने लगे हैं। राज्य में बड़ी राजनीतिक हलचल को हवा मिल रही है। लगातार अटकलें लग रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। चंपई सोरेन के दिल्ली दौरे से इन कयासों को और जोर मिला है। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, विपक्षी लोग गुजरात, असम, महाराष्ट्र से लोगों को लाकर यहाँ के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जहर बोने का काम करते हैं और एक दूसरे से लड़वाने का काम करते हैं। समाज छोड़िए, ये लोग घर को भी फोड़ देते हैं और पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। आए दिन विधायकों को खरीदते रहते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा, पैसा ऐसी चीज है कि नेता लोगों को इधर से उधर जाने में देरी नहीं लगती। खैर कोई बात नहीं, हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की लेटरल एंट्री स्कीम का समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने विरोध किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वो 2 अक्टूबर को यूपीएससी में लेटरल एंट्री स्कीम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं से भारी तादाद में इस आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की। यूपीएससी ने लेटरल स्कीम से नौकरी की सीधी भर्ती निकाली है, जिसके खिलाफ अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार का जमकर विरोध किया है। उन्होंने कहा, भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। सपा प्रमुख ने आगे कहा, ये स्कीम आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी सियासी दल एक्शन मोड में हैं। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती की पार्टी ने 2 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रामगोपाल कोरी को मिल्कीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। रविवार को प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ रामगोपाल कोरी ने मायावती से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही कयास लग रहे थे कि उन्हें टिकट मिल गया है। अब जाकर प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी घोषणा के बाद इस पर मोहर लगा दी है। 2017 में भी बसपा के टिकट पर रामगोपाल कोरी मिल्कीपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार फिर बसपा ने रामगोपाल कोरी पर अपना दांव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने मिल्कीपुर सुरक्षित सीट के लिए प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। रामगोपाल कोरी ही मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने यह घोषणा की है। बीएसपी ने मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट से भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। यहां शाह नजर को टिकट दिया गया है। शाह नजर बसपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी से जुड़े रहे हैं। मीरपुर में मायावती ने चंद्रशेखर के करीब को तोड़कर अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी के बुलंदशहर में रविवार सुबह प्राइवेट बस और टाटा पिकअप की भयानक भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट में 12 लोगों की मौत हो गई। करीब 34 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर से बदायूं रोड पर गांव सलेमपुर के पास एक्सीडेंट हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों वाहन बेहद तेज रफ्तार में थे। साइड देने के चक्कर में शायद यह हादसा हुआ है। इसमें प्राइवेट बस ने पिकअप में जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ मिनटों में ही यहां कई लोगों ने जान गंवा दी। घटना स्थल पर आम लोगों ने जाम लगाया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। सीएम योगी ने घायलों का तत्काल उपचार के निर्देश दिए हैं। खबर बरेली से है, जहां बरेली में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग मंत्री और आंवला विधायक धर्मपाल सिंह के चालक राजवीर सिंह उर्फ कुंदन 28 वर्षीय ने जिला अस्पताल मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में फंदे से लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रेमका से वीडियो कॉल पर झगड़े के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। बाराबंकी से आए भाई ने कोतवाली में प्रेमका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजवीर सिंह बाराबंकी के थाना सुबेहा के गाँव कृषिया के रहने वाले थे। वह शासन से अनुबंधित लखनऊ के अलीगंज के आनंद शुक्ला की ट्रेवल एजेंसी के लिए काम करते थे। लखनऊ से आने के बाद राजवीर सर्किट हाउस चौराहा स्थित
पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में रुके थे। शनिवार देर रात उन्होंने गेस्ट हाउस के पर्दे पर फंदा बनाकर कुंडे से लटककर जान दे दी। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है, पुलिस जांच के लिए तत्पर है। साथियों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।